ऑल राइट, तो ये टॉप 10 कंट्रीज का एक लिस्ट है. Must be feeling bad क्योंकि इंडिया का नाम नहीं है. थोड़ा सा गुड फील कराते हैं. Please move on to the next slide. Same World Economic Forum, same charts. इंडिया का नाम यहाँ पर भी नहीं है और ये टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज है. Feeling good about it? Perfect. Okay. अब क्यों नहीं है? Guess करो. क्योंकि OECD का मेंबर ही नहीं है इंडिया. अगर होता तो इंडिया कहाँ होता? मैं अभी आपको बताती हूँ. आपको यूके का स्कोर दिख रहा है 6.4. यहाँ पे 10 मींस मैक्सिमम है, ओके, एंड 0 मींस मिनिमम है. कैन यू सी द स्कोर ऑफ यूके? 6.5. ऑलराइट, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यूके का पर वीक आवर्स देखो 41, इंडिया का पर वीक आवर्स देखो 52. अब इमेजिन करो इंडिया कहाँ होगा. 41 पे, हाँ, सबसे आगे ना, जैसे हम पॉपुलेशन में हो गए हैं, ओके, जैसे हम करप्शन में हो गए, ऐसे वाला सबसे आगे, मतलब पीछे से सबसे आगे. ऑल राइट, तो ये बैक वेंचर नहीं बोला होगा किसी ने पक्का. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी दैट यूके इज इन्वेस्टिंग 41 आवर्स पर वीक, ओके, काम में 41 घंटे लगाते हैं ये, और इंडिया स्पेंड करता है 52 वीक्स. अब कैलकुलेट कर लो, 5 डेज वर्किंग है या 6 डेज वर्किंग है. एंड थैंकफुली हम मेट्रो में रहते हैं, कंजेशन बहुत ज्यादा है, अगर गलती से गाड़ी से निकल गए तो प्लस 3 आवर्स, ओके, डेली प्लस 3 आवर्स डेली. तो 5 डेज है या 6 डेज है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कैलकुलेशंस ऑफ द सेम, बट जस्ट डू अंडरस्टैंड दैट यूके व्हिच गॉट 6.4 स्कोर इज पुटिंग इन 41 आवर्स पर वीक एंड इंडिया इज पुटिंग इन 52 आवर्स पर वीक, जिसमें से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ट्रैवलिंग टाइम. सो हमारा कहां रैंकिंग आएगा? सो इट्स डिफिकल्ट, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, these are the cuttings that I got from the newspaper. I saved it for you the moment I decided that I'm going to take a lecture for students, because generally I take lectures for working women. Alright? औरतों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा issue है, नहीं समझ पाओगे अभी फिलहाल, okay? Mom का problem समझ नहीं आता होगा अभी, उस phase में नहीं हूँ आप लोग, but it's very difficult to balance your work and your personal life. So I take generally lectures for women employees or women workers who are facing that trauma of having or striking a balance between the two sides. When I say balance, ek baat main aapko bata dun that there is nothing called as perfect balance. Okay? Second thing, when I say balance, it is always evolving. There is no sure short rule. And when you talk about balance, there are two things that you need to take care of. One would be your stress management and the second would be your time management. अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो तो पहले आप टाइम मैनेजमेंट की बात करोगे, देन ओनली वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर व्हिच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. दोनों अगर है, क्योंकि काम नहीं होगा, टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस होगा तो अगले दिन भी काम नहीं होगा, फिर स्ट्रेस और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा एग्रवेट होते होते ये मेंटल हेल्थ पर आ जाता है, एंड दैट द रिजल्ट इज दिस. अब एसेंशियली जो ये सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं या फिर जितना भी डेटा एनसीआरबी, what is that? NCRB? Okay. All right. So you know the full form already. तो जब NCRB ने identify किया that what was the reason of suicide, okay? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि work life imbalance था, पर reasons आए fatigue, okay? Anxiety, helplessness, inability to manage work life and professional life, unemployment, and a lot of such factors which are related. तो जब आप माइंड सेंटर में नहीं है तो वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ो, लाइफ का बैलेंस ही लूज हो जाता है. ऑलराइट, और जब आप काम कर रहे हो तो सोचो ये बैलेंस कितना डबल अप, कितना स्पीड से मल्टीपल लेवल्स पे ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो थैंकफुली ये डेटा दिल्ली का नहीं है, बट आई डोंट नो थैंकफुली और नॉट, ये डेटा जहाँ का भी है, दिल्ली में स्टडी नहीं हुआ या दिल्ली का पब्लिश नहीं हुआ, बट दिस समथिंग आई गॉट वेरी रिसेंटली, लाइक जस्ट अ वीक बैक मेबी, ओके, सो दिस इज लाइक वेरी 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 रिसेंट. Okay, next slide please. Bangalore, yeah. So benefits, okay? So this is the second part. What will be changed if you try to strike that balance? When I say balance, it's not a perfect balance, just balance. Hum koshish karenge, girenge, samlenge, seekhenge, phir sudharenge. Aise chal rahe hai na? So that way. Jaise Indian typically chalte hai, okay? All right. So self-awareness, you'll get to know yourself better. Main kya achha kar raha hoon ya kya achha nahi kar raha? Okay, then self-acceptance. I need to improve in this domain. मेरी networking strong नहीं है. मैं घर पे family को time नहीं दे पा रहा हूँ. I need to devote more time for myself. मुझे खुद के लिए time नहीं है. मैं सुबह उठ रहा हूँ और भाग रहा हूँ और भाग रहा हूँ और भाग रहा हूँ.
ओके अभी तो कुछ लाइफ में है ही नहीं, अभी क्या है, स्ट्रेस देखा ही नहीं आप लोगों ने, स्ट्रेस इज येट टू कम फॉर यू पीपल. अभी इसके बाद पीजी का स्ट्रेस है, उसके बाद जॉब का स्ट्रेस है, उसके बाद स्ट्रेस का लेवल ही अलग है, पूछो ही मत. ओके ऑल राइट, थर्ड वुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ यू आर अवेयर, सो वी डू अ स्वॉट एनालिसिस. यू अंडरस्टैंड स्वॉट एनालिसिस? व्हेन वी डू अ स्वॉट एनालिसिस, वी अपेरेंटली थिंक अबाउट आवर वीकनेसेस एंड आवर स्ट्रेंथ्स. सो वंस यू अंडरस्टैंड, यू कैन ऑब्वियसली डेवलप ऑनटू योर स्ट्रेंथ्स, यू कैन डेवलप ऑनटू योर स्किल्स एंड एक्सेल इन लाइफ. एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, यू नीड टू वर्क ऑन देम. So what will that give you? That will give you self-confidence that I'm working. ये मेरी weakness है पर मैं काम कर रहा हूँ इसमें. Okay, which is more important. कौन ऐसा है जिसमें कोई error नहीं है, कोई गलती नहीं है, life में कभी कुछ गलत नहीं करा? ऐसा नहीं है ना. So in case we understand our problems, the importance is to understand the problem and work on it. Try to rectify it, try to correct it. And last would be self-discipline. से काम नहीं हो रहे ना, कॉलेज का काम होता है ना, मम्मी के पास बैठ रहा हूँ ना, दोस्तों के लिए टाइम है ना, खुद के लिए टाइम है, मेरा टाइम जा कहाँ रहा है? तो जब आपको ये बात समझ आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट अल्टीमेटली सेल्फ डिसिप्लिन विल बी इंस्टिल्ड, व्हिच इज मच मोर इंपॉर्टेंट. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये अटेंशन 1 2 3 नो, ऑलराइट. डिसिप्लिन वुड मीन अ बेटर लाइफ. ओके, फॉर दैट वी नीड टू मेक चेंजेस एट द मैक्रो लेवल इन आवर लाइफ. अभी वही थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं, बट आई होप यहाँ तक सब अग्री करते हो.